हमारे ऊपर ये एलिगेशन था कि 501 क्विंटल गेहूं हमने जो है किसानों से ले लिया और वहां जमा नहीं किया था। तो सब्सिक्वेंट लॉटशिप हमने जो 501 क्विंटल का हमारे ऊपर एलिगेशन था वो हमने किसानों को वापस कर दिया होगा, चाहिए सरेंडर करिए, किसानों को अदा कर दिया है, उससे अपराध थोड़ा खत्म हो जाए। बट माई सबमिशन इज दिस नहीं बट This is repeat bill application under section 438. The offence registered against the applicant under section 409, 420, 34 of IPC. क्या बदल क्या गया? ये allegation हमारे पास ऊपर ये है कि complainant junior bill application में सिर्फ वकील बदलने के अलावा और क्या बदला है? इसमें ये बदला कि साहब हमारे ऊपर ये allegation था कि 501 क्विंटल गेहूं हमने जो है किसानों से ले लिया और वहां जमा नहीं किया था। तो सब्सिक्वेंट लॉटशिप हमने जो 501 क्विंटल का हमारे ऊपर एलिगेशन था वो हमने किसानों को वापस कर दिया होगा, चाहिए सरेंडर करिए, वहां बताइए सब। इसमें साहब देख लें, एक पहली फर्स्ट एंड सेकंड बिल एप्लीकेशन के ऑर्डर्स कहां है? Asking for some time phrase for withdrawal of the anticipatory bail application. फिर दूसरा ऑर्डर 30 मार्च का है, phrase for withdrawal of the bail application. ठीक है, इसमें दो वकील आप तीसरे आ रहे हैं, ठीक है, कैसे मालूम पड़ेगा कि वापस कर दिया? ये सर मैं बता रहा हूँ सर, ये अलेक्सर A3 देखें, ये सर ये इंक्वायरी रिपोर्ट है लॉकशीप, इंक्वायरी रिपोर्ट में पेज नंबर 20। ये तो 25/6 की है, इंक्वायरी पहले भी थी, मैं बता रहा हूँ सर जी, ये इसमें इंक्वायरी रिपोर्ट में 500 ये पैरा 4 लॉट से 501 क्विंटल गेहूं का भुगतान जो है 9 लाख का गेहूं शॉर्टेज पाया गया लॉट से 10% ऑफ दिस ऑर्डर लॉट से अनदर A5 पेज नंबर 22 यस विषयांगत संदर्भ पत्र के क्रमांक में आरोपी रामलखन चतुर्वेदी सेवा सहकारी समिति मर्यादित अमरपुर गड़ैया टोला कैंप 21/22 में रामलखन चतुर्वेदी द्वारा खरीदी की गई थी, जिसमें 21,485 क्विंटल गेहूं की खरीदी की गई थी। क्योंकि समिति अमरपुर लेख मुताबिक 600 गेहूं की गोदामीकरण हो पाया था, असामयिक वर्षा के कारण 500 क्विंटल गेहूं भींग गया था जो अमानक हो गया था, गोदामीकरण नहीं हो पाया था तथा उक्त अमानक गेहूं ओपन कैंप से प्राप्त कर निम्नलिखित किसानों को वापस कर दिया। ये किसानों के नाम है लॉटशिप और इसमें जो है 501 क्विंटल गेहूं का पूरा डिटेल है। तो इसके बाद जो है समिति शाखा प्रबंधक ने ये लेटर जारी किया है लॉर्डशिप चौकी प्रभारी को कि इनने जो है जमा कर दिया है। इसके बाद लॉर्डशिप अनेक्सर A6 देखेंगे जी, A6 देखेंगे, A6 में लॉर्डशिप ये प्रबंधक सेवा सहकारी समिति के द्वारा ये लेटर एडमिनिस्ट्रेशन को दिया गया है लॉर्डशिप, उसमें ये मेंशन किया गया है कि जितना हमारा था अब वो पूरा हमने किसानों को अदा कर दिया है, उससे अपराध थोड़ा खत्म हो जाए। बट माई सबमिशन इज दिस नहीं चौकी प्रभारी को लिखा हुआ ये डॉक्यूमेंट्स पे विश्वास नहीं किया जा सकता है। आपकी शाखा प्रबंधक सबको मालूम है किस तरीके से काम करते हैं जिला सहकारी बैंक, ये इट्स इन पब्लिक डोमेन हाउ दीज कोऑपरेटिव बैंक्स आर फंक्शनिंग। इसमें लॉटशिप एक अनेक्सर ये देख लें, लॉटशिप ये हम अनेक्सर P7 लॉटशिप ये किसानों ने जो पावती दी है कि हम उन्होंने सब ये एडमिट किया है कि हमारा जितना गेहूं था हमको सब मिल गया है। तो सर वहाँ चलेगा अभी लॉटशिप, हम कंटेस्ट करेंगे, सरेंडर कर दीजिए, सरेंडर करके रेगुलर बिल कराइए।